हम आगरा से अगली खबर आपको बता रहे हैं। विद्युत उपखंड कार्यालय में रिश्वत का खेल उजागर हुआ है। बिजली विभाग के बाबू का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ है। ग्रामीणों ने रिश्वत लेते मुन्ना लाल का वीडियो बनाया। शमशाबाद विद्युत उपखंड कार्यालय में आरोपी तैनात है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बिजली विभाग के बाबू का रिश्वत लेते वीडियो वायरल। और ये वीडियो कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है कि सरकारी कर्मचारी किस तरह से आम जनता को ठग रहे हैं, आम जनता को डरा कर, धमका कर या लालच देकर उनसे रिश्वत ले रहे हैं। शमशाबाद विद्युत उपखंड कार्यालय में तैनात है आरोपी। अब विद्युत उपखंड कार्यालय में रिश्वत का जो खेल उजागर हुआ है, उसमें आगे कैसी कार्रवाई होगी, ये बड़ा सवाल। तो बिजली विभाग के बाबू का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें गुपचुप तरीके से बनाई हुई हैं ताकि इन तस्वीरों के माध्यम से दर्शाया जाए कि कैसे आम जनता को यहाँ पर ठगा जाता है। संदीप, ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए फोन लाइन पर। संदीप, विद्युत उपखंड कार्यालय में जो आरोपी तैनात है, जिसने रिश्वत ली है, जो कि ऑन रिकॉर्ड कैमरा पर रिकॉर्ड हुई है, अब इस वीडियो के आधार पर आगे क्या कार्रवाई हो सकती है? संदीप, इस वीडियो के आधार पर आगे क्या कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि पूरा मामला विद्युत उपखंड शमशाबाद कार्यालय का है, जहां पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि एक बाबू है जो कि रिश्वत लेते हुए दिखाई दे रहा है। आप इन वीडियो में देख सकते हैं कि बाबू रिश्वत लेते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं सरकार की छवि को धूगल करने का ऐसे बाबू काम कर रहे हैं और इन पर कार्रवाई की जाए। अभी हमारी इस विषय में जो SDO है उनसे बात हुई है, उनका कहना है कि मामला उनके संज्ञान में आया है और मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। संदीप, इसी के साथ साथ ये जो रिश्वतखोरी का खेल है वो कब से चल रहा था? क्योंकि ये कोई पहला मामला तो होगा नहीं कि इस अधिकारी ने एक ही व्यक्ति से रिश्वत ली होगी। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं पूर्व में भी कई मामले ऐसे शमशाबाद से वायरल हुए हैं जिसमें रिश्वत लेते हुए बाबू और विद्युत विभाग के लोग तमाम देखे गए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि बड़ा सवाल यही है कि विद्युत विभाग ऐसे बाबुओं पर कार्रवाई क्यों नहीं करता। लेकिन जब वीडियो वायरल होता है तो जांच कर कार्रवाई का आश्वासन देकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इन पर एक बड़ी कार्रवाई नहीं दिखती। अगर इन पर बड़ी कार्रवाई की जाए तो एक और लोगों को भी ये संदेश मिले और कहीं ना कहीं इन पर लगाम लगाई। संदीप, बड़ा सवाल ये है कि क्या आम नागरिक जागरूक है? अगर उनसे ये अधिकारी रिश्वत मांगते हैं तो क्या वो शिकायत करते हैं या फिर वो भी इस तरह से मजबूर होकर के रिश्वत देते हैं अधिकारियों को? देखिए बिल्कुल, अगर बात की जाए आम नागरिक जागरूक की तो कहीं ना कहीं रिश्वत का खेल पूर्व समय से ही चलता चला रहा है। लेकिन यह भी मामला खुद नागरिक ने वीडियो बनाकर और इसको सोशल मीडिया पर वायरल किया है, जिसके बाद यह वीडियो वायरल हुआ है। तो कहीं ना कहीं आम नागरिक भी जागरूक होता चला जा रहा है और वह खुद वीडियो बनाकर ऐसे अधिकारियों पर CM योगी से पोस्ट कर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए।